हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का एक 11th वीडियो है जिसमें हम राजेंद्र सिंह बेदी इनके द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी लाजवंती पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम लाजवंती इस कहानी के थीम के बारे में बात करेंगे। सेकंड सेक्शन में हम राजेंद्र सिंह बेदी इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड सेक्शन में हम लाजवंती इस कहानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं लाजवंती इस कहानी के थीम से। दोस्तों, लाजवंती इस कहानी की थीम इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के हॉरर्स के ऊपर हमें एक अलग नजरिया देने की कोशिश करती है। जब भी हम इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम इस कालखंड के दौरान हुए खून खराबे के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे इस पार्टीशन के दौरान लगभग 10 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे, किस तरह से 20 लाख से अधिक परिवार या तो डिस्प्लेस हो गए थे या फिर किसी ना किसी तरह से 20 लाख परिवार इस पार्टीशन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन अक्सर हम इस खून खराबे के खत्म होने के बाद क्या होता है इसके ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी की यह कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम इंसानी स्वभाव के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि इंसान जब नजदीक होते हैं, जब साथ में होते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो बहुत ही बर्बरता के साथ, क्रुएल्टी के साथ रहते हैं। लेकिन जब आप किसी प्यारे व्यक्ति से बिछड़ जाते हो, जब आप उनसे दूर जाते हो, तब जाकर आपको उनकी कमी खलने लगती है, तब जाकर आपको उनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। दूसरी चीज हम समझते हैं कि इंसानी दिल बहुत ही नाजुक है। ये लाजवंती के पत्तों की तरह नाजुक है। इस कहानी में राजेंद्र सिंह बेदी हमें पंजाबी का एक गीत सुनाते हैं। वो गीत है, हाथ लाया कुमल लाननी लाजवंती ने ऊटे। हाथ लगाते ही लाजवंती के पत्ते कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं। इंसान के दिल भी लाजवंती के पत्तों की तरह ही है। जब उन्हें कोई हाथ लगाता है, जब उन्हें कोई थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देता है, तो इंसान के दिल कुम्हला जाते हैं। जब भारत पाकिस्तान के इस पार्टीशन के दौरान खून खराबा हुआ, तो जो लोग एक ही क्षेत्र में रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, वो लोग भी अब हिंदू मुसलमान में बिछड़ गए और उनके दिल अब लाजवंती के पत्तों की तरह कुम्हला गए, सूख गए, मुरझा गए। इसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र सिंह बेदी इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी इनका जन्म 1915 में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट आज की तारीख में पाकिस्तान में स्थित है। 1947 के बाद वो हिंदुस्तान में आ गए। वो आज की तारीख के मुंबई में आए और यहाँ पर उन्होंने फिल्मों के लिए काम करना शुरू किया। फिल्मों में काम करते हुए वो बतौर स्क्रीन राइटर, बतौर डायलॉग राइटर और बतौर डायरेक्टर काम कर चुके हैं। साथ ही साथ राजेंद्र सिंह बेदी को आज हम उर्दू साहित्य के लीडिंग राइटर्स में से देखते हैं, जिनका नाम इस्मत चुगताई, इन जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ अक्सर जोड़ा जाता है। तो चलिए अब कहानी के तीसरे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, लाजवंती की कहानी भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के खत्म होने के कुछ सालों के बाद शुरू होती है। ये कहानी पंजाब के मुल्ला शकूर इस मोहल्ले में या इस गांव में घटित हो रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा राज्य है जो भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। पंजाब में रहने वाले कई सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे और कई सारे लोग पाकिस्तान से पंजाब में स्थलांतरित हुए थे। ऐसे में पंजाब एक सेंट्रल पॉइंट था। ऐसे ही जगह पर ये कहानी घटित हो रही है। दोस्तों, इस कहानी में हम जानते हैं कि जब पूरा खून खराबा खत्म हो गया, उसके बाद
लोग अपने अपने जीवन को समेटने के पीछे लग गए। हर कोई एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा और इन्हीं कोशिशों के दौरान इन लोगों को मदद करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों को यहाँ पर स्थायी करने के लिए बिजनेस में बसाओ, घरों में बसाओ, इस तरह की कमेटियां बनाई गई। जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनको घरों में रहने के लिए जगह दो, उन लोगों को काम दो, उन लोगों को व्यवसाय करने का मौका दो, इस तरह के इन कमेटियों के उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन एक कमेटी थी जो चर्चा का विषय थी, ये कमेटी थी दिलों में बसाओ। और इस कमेटी का उद्देश्य था जिन महिलाओं को पाकिस्तान में एबडक्ट करके ले जाया गया था, अपहरण करके ले गया था, और ये महिलाएं जब अब वापस आ रही हैं तो इन महिलाओं को फिर से एक बार उनके परिवारों के साथ बसाया जाए, फिर से एक बार उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मदद की जाए। इस कमेटी के चेयरमैन थे सुंदरलाल। जब इस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चुनाव होना था तो सुंदरलाल इनको बहुमत के साथ चुना गया था। इसका रीजन ये था कि सब लोगों को ये लगा कि सुंदरलाल ये काम करने के लिए बहुत ही सुटेबल इंसान है, क्योंकि सुंदरलाल की अपनी बीवी लाजवंती अपहरण होकर पाकिस्तान ले जाई जा चुकी थी। ऐसे में सब लोग मानते थे कि सुंदरलाल जी जान लगाकर इस कमेटी के लिए काम करेंगे। दोस्तों, इस कमेटी का घोष वाक्य था, हाथ लाया कुम्हलाननी लाजवंती ने ऊटे। ये वही गाना है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था। इस गाने के थ्रू सुंदरलाल और ये कमेटी सब लोगों को ये बताना चाहती थी कि जो एबडक होने के बाद महिलाएं फिर से एक बार हिंदुस्तान आई है, फिर से एक बार जब वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, तो आप ये समझो कि वो कितना दुख दर्द सहन कर वापस आई है, तो आप फिर से एक बार उनके दुखती हुई रग पर हाथ मत रखो, क्योंकि आप ये जान लो कि इंसानों के दिल बहुत ही नाजुक होते हैं। ऐसे में आप फिर से एक बार उनको ये मत पूछो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, फिर से एक बार आप उन्हें दुख दर्द मत दो। दोस्तों, हर रोज सुबह सुबह उठकर ये कमेटी के लोग मोहल्ले से घुमा करते थे और ये गीत गाया करते थे। इस गीत के थ्रू वो लोगों को मार्गदर्शन करते थे और लोगों को जो वापस आई हुई महिलाएं हैं उनको फिर से एक बार अपने घरों में, अपने दिलों में बसाने के लिए मोटिवेट किया करते थे। दोस्तों, जब ये गीत गाते गाते सुंदरलाल हर रोज सुबह जाते थे तो अक्सर वो सोचा करते थे कि मेरी लाजवंती अभी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो कितने अलग अलग दुख दर्द सह रही होगी। और वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी जी जान लगाकर इसलिए आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन जब ये गीत गाते थे तो इस गीत का जो सेंट्रल थीम है, कभी कभी इसके बारे में भी वो सोचते थे। अपने गीत से वो लोगों को कह रहे हैं कि इंसान के दिल लाजवंती के पत्तों की तरह नाजुक है, हाथ लगाते ही वो मुरझा जाते हैं। लेकिन वो सोचा करते थे कि जब लाजवंती उनके साथ रहा करती थी तो वो कितनी बुरी तरह से लाजवंती से पेश आते थे। छोटी छोटी बातों को पकड़कर वो लाजवंती को पीट देते थे, तुम ठीक से बैठी क्यों नहीं, तुम ठीक से उठी क्यों नहीं, और कैसी अन्य बेतुकी बातों को उठाकर वो उनके साथ मारहानि किया करते थे। और उन्हें ये पता था कि लाजवंती शारीरिक दृष्टि से एक दुबली पतली औरत है, वो कमजोर नहीं है लेकिन दुबली पतली है, और इसके बावजूद भी वो उन्हें बहुत पीटा करते थे। और अब जब लाजवंती उनसे दूर चली गई थी तो वो सोचा करते थे कि फिर से एक बार उन्हें एक मौका अगर मिलेगा तो वो लाजवंती को बहुत ही लाड़ प्यार से रखेंगे, अपने किए हुए पापों का वो प्रायश्चित करेंगे। दोस्तों, उसी मुल्ला शकुर मोहल्ले से कुछ दूरी पर एक मोहल्ला हुआ करता था जहां पर हिंदू पारंपरिक लोग रहा करते थे, और वहां पे नारायण बुआ नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जो कि उनके लीडर थे। जब भी वो उस क्षेत्र से जाते थे तो अक्सर वहां पर लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, एक दिन जब सुंदरलाल और उनकी कमेटी शाम के वक्त में अपने गीत गाते गाते लोगों को सब वापस आई हुई महिलाओं को दिलों में बसाओ इस तरह के मैसेज देते हुए
आगे बढ़ रहे थे तो वो नारायण बुआ इनके मंदिर के क्षेत्र में पहुंच गए और उसी समय पर वहां पर शाम के समय में रामायण की कथा सुनाई जा रही थी। इस रामायण की कथा में उस दिन सीता और राम इनकी एक कहानी बता रहे थे जिसमें एक फिशरमैन एक मछुआरा अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूं, जो तुम कितने भी दिन किसी और पुरुष के साथ रह के वापस आओगी और मैं तुमको फिर से अपने घर में बसा लूंगा। और फिर ये कहानी सुनने के बाद एक मछुआरे की बात को भी सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने मां सीता को अपने घर से निकाल दिया और नारायण बुआ कहते हैं कि ये राम राज्य है जिसमें एक राजा भी एक मछुआरे की बात का सम्मान करता है। जैसे ही इस बात को सुंदरलाल सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। तो वहां पे जो भी लोग बैठकर इस कहानी को सुन रहे होते हैं वो सब लोग गुस्सा आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम यहां से भागो। ऐसे में सुंदरलाल कहते हैं कि आप राम राज्य के बारे में कह रहे हैं कि राजा भी एक मछुआरे की बात सुनता है, लेकिन आप लोग जो राम राज्य की कल्पना करते हैं वो तो सुंदरलाल की बात भी नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर वो हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है और वो बोलते हैं कि अगर सीता माँ का अपहरण हुआ तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती है उस रावण की जिन्होंने छल कपट से सीता माँ का अपहरण किया। ऐसे में राम जी को सीता माँ को किसी भी तरह से दंडित नहीं करना चाहिए, उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए। और ऐसी कहानी बताते हुए वो रोने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बीवी के बारे में सोचने लगती है और उन्हें लगता है कि उनकी बीवी को भी छल कपट के साथ और जबरदस्ती के साथ कोई ना कोई भगा कर ले गया है, अपहरण कर ले गया है। और फिर इस वाक्य के बाद वो वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब महिलाएं वापस आती है तो आखिर वो मंजर किस तरह का होता है। हम जानते हैं कि जब महिलाएं भारत पाकिस्तान बाउंड्री पर जब वाघा बॉर्डर पर आती है तो कुछ महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं, जो हिंदुस्तान में रह गई है, उन महिलाओं को पाकिस्तान से जो इंडियन महिलाएं हैं उन महिलाओं के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इस तरह की सिस्टम वहां पर हुआ करती थी। तो जब ये एक्सचेंज हो जाता है और जब महिलाएं वहां पर आकर खड़ी हो जाती है तो वो इंतजार कर रही होती है कि मेरे परिवार से कोई आए और मुझे यहां से ले जाए और ये ट्रांसफर कंप्लीट हो। ऐसे में हम देखते हैं कुछ लोग अनविलिंगली दुख दर्द के साथ अपनी वापस आई हुई महिलाओं को अपने परिवार में एक्सेप्ट करते हैं। वही कई सारे लोग कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए, तुम उधर ही मर क्यों नहीं गई। और कई सारे लोग उन महिलाओं को अपने परिवारों में अपने घरों में फिर से एक बार बसाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में हम ये जानते हैं कि कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो महिलाएं वापस आने की बजाय आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर देती है। कई सारे परिवार अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमें इंसान के दिलों के बारे में ये समझाती है कि इंसान के दिल कितने नाजुक है, कितने। दोस्तों, सुंदरलाल इनके जीवन में एक नई शुरुआत तब होती है जब एक दिन सुबह सुबह उनका दोस्त उनके घर आता है और उन्हें कहता है बधाई हो। सुंदरलाल उन्हें बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी लाजवंती भाभी को वाघा बॉर्डर पर देखा है। ऐसे में सुंदरलाल खुश हो जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आगे बताओ क्या हुआ। तो वो उन्हें कहते हैं कि जब वहां पे ट्रांसफर होने वाला था तो ट्रांसफर के दौरान भारत और पाकिस्तान इन दोनों लोगों के बीच में कुछ कहासुनी होने लगी क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि जो भी पाकिस्तान से भारत में महिलाएं आ रही है वो ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं हैं और जो भारत से पाकिस्तान भेजे जा रही है वो सारी की सारी जवान महिलाएं हैं। ऐसे में यहां पर एक ट्रेड या फिर एक वस्तुओं के व्यापार के तरह कॉन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में होता है और फिर कहासुनी होने के बाद वो ट्रांसफर रद्द हो जाता है। और फिर आखिर में वहां पर एक व्यक्ति उन्हें कहता है कि ये लाजवंती जो है उनकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि ये महिला क्या तुमको बूढ़ी दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इससे हमें उस दौर में किस तरह से ये व्यवहार किए जा रहे थे,
कितने अमानवीय तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, इसके बारे में भी एक झलक देखने मिलती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब आखिर में लाजवंती सुखरूप वापस हिंदुस्तान में आ जाती है। वो वाघा बॉर्डर पर खड़ी होती है और सुंदरलाल के आने का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, जैसे ही सुंदरलाल लाजवंती को देखते हैं तो वो एक चीज नोटिस करते हैं कि लाजवंती ने किस तरह से अपना दुपट्टा अपने बदन पर ढका हुआ है, और वो सोच रहे हैं कि लाजवंती ने एक मुस्लिम औरत की तरह, एक मुस्लिम महिला की तरह अपने दुपट्टे को अपने शरीर पर ढका हुआ है। और साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि शायद वो अभी कंफ्यूज्ड है और सब कॉन्शियसली उसने दुपट्टे को इस तरह से रखा है। दूसरी चीज वो नोटिस करते हैं कि लाजवंती पहले बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन अब वो काफी अच्छी हो गई है, काफी स्वस्थ दिख रही है, साथ ही साथ वो गोरी भी दिख रही है। ऐसे में उनके दिमाग में जो पहले विचार आ रहे थे कि लाजवंती कितनी दुख दर्द में होगी, वो कितनी पीड़ा सह रही होगी, ये सारी चीजें उनके कहीं ना कहीं मन में आता है कि अगर वो उतने ही खुश थी तो वापस क्यों आई। और वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान इन गवर्नमेंट ने जबरन इन लोगों को ट्रांसफर करने पर मजबूर किया है। चलो, इसी के साथ जब वो लाजवंती को लेने जाते हैं तो लाजवंती बहुत ही कंफ्यूज होती है और कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है कि अब जब वो वापस जाएगी तो उसे और कितना मार सहना पड़ेगा। लेकिन जब वो वापस घर जाते हैं तो लाजवंती का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब किसी भी तरह से उन्हें सुंदरलाल प्रताड़ित नहीं करते। पहले सुंदरलाल उन्हें बार बार पर मार दिया करते थे, मारपीट किया करते थे, लेकिन अब वो उनके साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करते हैं। और पहले जब वो उन्हें लाजो कहा करते थे, उसकी वजह अब वो उन्हें देवी कर पुकारने लगते हैं। और जब जब सुंदरलाल लाजवंती को देवी कहते हैं तो लाजवंती का दिल खुशी से पागल हो उठता है। लेकिन लाजवंती अक्सर सोचती है कि वो सुंदरलाल को बताए कि वो किस तरह से वहां पर रही, उसके साथ क्या क्या बदसलूकी हुए, उसने क्या क्या सहन किया है, ये बताए। वो सुंदरलाल को लिपटकर रोए और अपने सारे दुख बयां करे। वो चाहते हैं कि अपने दुख जब वो एक्सप्रेस करेगी तब जाकर उसे सुकून मिलेगा। लेकिन सुंदरलाल जो कि खुद ही उस कमेटी में काम करते हैं और वो सबको ये कहते हैं कि अब आप किसी भी तरह से इन महिलाओं को फिर से एक बार उस पुराने जीवन के बारे में मत पूछिए, तो अपनी फिलॉसफी के चलते वो कभी भी उस विषय को नहीं छेड़ते। हाँ, एक बार वो बस ये पूछते हैं कि वो कौन था जो तुम्हें ले गया था, तो ऐसे में लाजवंती उन्हें बताती कि उस व्यक्ति का नाम जुम्मा था। फिर वो उन्हें पूछते हैं क्या उसने तुम्हारे साथ मारपीट की, क्या बदसलूकी की, तो वो कहते कि नहीं, उसने मेरे साथ मारपीट या फिर बदसलूकी नहीं की। बस इतना ही डिस्कशन होता है। जब लाजवंती आगे कुछ कहना चाहती है तो सुंदरलाल उन्हें रोक देते हैं और कहते कि ठीक है, मुझे अभी और कुछ नहीं जानना है, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सुंदरलाल एक अच्छे, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो इंसानी दिलों के बारे में ये चीज नहीं जानती है कि जब हम हमारे दुखों को किसी के साथ शेयर करते हैं, जब हम हमारी कहानी शेयर करते हैं, तो हम सामने वाले व्यक्ति के साथ लगाव महसूस करते हैं। साथ ही साथ जब हम हमारा दुख सामने वाले व्यक्ति के साथ बांटते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। ऐसे में ये दुख बांटने का सुख लाजवंती को नहीं मिल पाता है। वो अपने दुखों को शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि जब वो कुछ बोलने की कोशिश करती है तब तब सुंदरलाल उन्हें रोक देते हैं। ऐसे में ये सारी चीजें अब लाजवंती के मन के अंदर ही दबकर रह जाती है। और फिर वक्त के साथ साथ वो एक चीज समझ पाती है कि अब वो पहले वाली लाजवंती फिर से एक बार नहीं बन पाएगी। वो पहले वाली लाजवंती जो केयरफ्री रहती थी, वो लाजवंती जिसे उसका पति पीटा करता था, लेकिन वो इस घर की मालकिन थी। लेकिन अब उसे लगता है कि वो इस घर में रह रही है, पहले से अच्छा उसका पति उसके साथ बर्ताव कर रहा है, लेकिन वो फिर से एक बार उस तरह का जीवन, वो केयरफ्री जीवन नहीं जी पाएगी। और अब उसके शरीर में लाजवंती नहीं बल्कि एक देवी रहने लग गई है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और हमें इंसानी स्वभाव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती है।
उन कई सारी चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमारे साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग। दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर हमें कभी लगता है कि हमारा दोस्त हमें उसके साथ हुए किसी हादसे के बारे में बताना चाहता है तो हमें वो सुनना चाहिए। जब हम उनकी दुख भरी कहानी को, उनके हादसे को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें उस ट्रॉमा से गुजरने में ये चीज मदद करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। आपके अगर कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस है, जरूर कमेंट कर बताइए। मैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।